नमस्कार, अभी हम मौजूद है बेतिया में और राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के ऑफिस में। और आपको बता दें कि जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है या पुरुषों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको देखकर आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसके क्या बेटियां महिला झांसी की रानी बनेंगी? हाँ, क्यों नहीं बनेंगे। और जो गलत हो रहा है, जो लड़के हैं मतलब गलत कर रहे हैं, उनको जड़ से खत्म भी किया जाएगा। उसको लड़कियां गलत नहीं करती हैं? करती हैं, वो भी करती हैं। जिस तरह से आज महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको देखकर क्या लगता है सरकार इस पे? जैसे दहेज के लिए हत्या कर दी जा रही है, काफी ज्यादा लड़कियों को उठा लिया जाता है, लेकिन सरकार आज मौन है, इस पे क्या कहना चाहिए? सरकार मौन है तो उसको कदम उठाना चाहिए। सरकार को उनको इस तरह का अभियान चलाना चाहिए जिससे लड़का लड़की दोनों को समझ हो कि वो क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। इससे उनको समझ होगा तो सही समय पर सही गलत कदम नहीं उठाएगा लोग। तो क्या लगता है सरकार क्यों मौन है? अब ये तो क्योंकि ये सब बात सरकार के सामने जा ही नहीं रहा है। जहाँ का बात है, कहाँ तक आवाज उठाएंगे इसके लिए? जहाँ तक हमसे संभव होगा हम बोल सकते हैं, कर सकते हैं, कोशिश तो पूरा करेंगे। आज तक कितने लोगों को न्याय दिला चुकी हैं मानवाधिकार फाउंडेशन के तरफ से? अभी मेरा शुरुआत हो रहा है, अभी फर्स्ट बार मैं बोल रही हूँ। देखिए, इसका राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन के तहत हम लोग पूरा देश में ये समाज के तौर पे काम करने के लिए हम लोग का बड़ा उद्देश्य है और मेरा टीम काम भी कर रहा है और हम लोग समाज के लिए अपना जान भी दे सकते हैं, बट कभी गंदा मैसेज होने नहीं देंगे। इसलिए कि मैं ज़्यादा आज मैं आपसे बात करूँगा कि एक हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं पश्चिमी चंपारण से, बेतिया बिहार से, जागो बहन जागो का यात्रा, ये हम लोग इसी सावन मंथ में निकाल रहे हैं। रथ यात्रा होगा जो सारा रथ एक लाइन से होगा, हमारे जितना भी बहन है सब एक झांसी के रूप में आएगी, हाथ में तलवार दुपट्टा पाग होगा और इससे ये मैसेज आएगा कि बहन को कैसे बचाया जाए। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत सारा केस मैं देखा हूँ कि लड़की जो है, जो मम्मी पापा जो अपने लड़की को पोस पाल के बड़ा करता है और बड़ा करके उसको अच्छा रास्ता देता है, अपने माँ बाप मतलब जो भी कमाई कमाता है उस लड़की के पीछे लगा देता है, लेकिन लड़की फिर बदल जाती है, भटक जाती है, दो कौड़ी के प्यार में चक्कर में जान खा जाती है, अपने खिला देती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जागो बहन जागो का यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग, जिससे ये पूरा हमारे भारत में हर बहनों को मैसेज जाए आपके चैनल के माध्यम से कि बहन अब घबराओ मत, जागो बहन जागो का अभियान चल रहा है, इसमें आप अपने पूरा भाग जो है ले सकते हैं, जुट सकते हैं और अपने दिल को बड़ा कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले उद्देश्य में बताऊंगा, लड़की का कोई बड़ा दिल नहीं होता, उसका जो है आप जैसे घुमाएंगे वैसे वो घूम सकती है, बट यही है कि अच्छे खास पढ़ाई करके अच्छे अच्छे घर के लोग जो है पढ़ा लिखा के लड़की को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, बट लड़की प्यार में ही बदल जाती है। अब वो लड़का उसको लेके भागता है, उसका जीवन खराब कर देता है। वही देख रही, अभी देखिए कुछ मंथ पहले जो लड़की हमारे बहन जो है दिल्ली में दिन दहाड़े उसको चक्कू मार दिया जा रहा है, लेकिन उसको कोई बचाने नहीं जा रहा। और अपना कैरियर को सुंदरता बनाइए और मम्मी पापा का सिर जो है एकदम ऊंचा कीजिए, उनका दिल बड़ा कीजिए कि ताकि आपको आने वाले भविष्य में जब तक आप जिएंगे आपके बच्चा होगा, ये आशीर्वाद आपके मम्मी पापा का पूरा ऊपर से मतलब लागू रहे, मैं यही चाहता हूँ बस। अच्छा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, जैसे लड़कियाँ अपने माँ बाप के 20 साल को प्यार को धोखा देकर 2 महीने के प्यार में चली जाती है, घर छोड़कर भाग जाती है, इस पे क्या कहिए? लड़कियां ना समझ होती हैं, उनको समझने में टाइम लगता है। आखिर कब तक समझेगी? उसी लिए तो हम लोग ये अभियान चला रहे हैं जिससे ये सुने और उनको समझ हो कि कोई भी बात है तो बेझिझक बोले, हम लोग के सामने आके बोले, हम लोग समझाएंगे जो भी हो। लेकिन कितना लोग डरता है कि हम कैसे कहें किसी को, घर के लोग को या बाहर के लोग को, सुनेगा लोग तो हंसेगा लोग। लेकिन ये अभियान इसीलिए चलाया जा रहा है कि वो लोग डरे नहीं, घबराए नहीं, जो भी बात है आके बेझिझक हम लोग को बताए। प्यार के चक्कर में माँ बाप की इज्जत को उछालना सही है? नहीं, एकदम सही नहीं। इसीलिए तो बताया जा रहा है कि लड़की लोग को समझना चाहिए, जब माँ बाप उन पर भरोसा करके घर से बाहर भेज रहे हैं तो वो गलत रास्ते पर ना जाए। अगर हाँ, अगर कुछ बात हो रहा है लड़का लोग से तो ठीक है, दोस्त की तरह ही यूज करे, लेकिन अगर प्यार में पढ़ कर एक सीमा को पार करना, जो कि हर किसी को सीमा में ही रहना चाहिए, लेकिन वो समझ नहीं पाती हैं, या तो लड़का लोग बहलाता है, उनसे प्यार का बात करता है लोग, जो भी करता है, जैसे लड़की लोग तुरंत बहल जाती हैं, तो उनको टाइट होना चाहिए। शादी के बाद भी लड़कियाँ भाग जाती हैं महिला, तो वही तो कह रहे हैं, लड़की लोग समझ नहीं पाती है कि क्या गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। कब तक समझेगी?
तो अब यह अभियान चल रहा है ना, जैसे ये सब अभियान क्या लगता है आपके अभियान चलाने से सब लड़कियां समझ जाएंगी? सब नहीं समझेंगी तो कुछ तो समझेंगी, जो समझदार होंगी वो जरूर समझेंगी, अब जो नहीं समझ पा रही है उनका गलती।